हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक और आप देख रहे हैं साइंटिफिक पैराडॉक्स। सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, इन शॉर्ट SARS-CoV-2, और इससे होने वाला डिजीज COVID-19 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 11 मार्च 2020 को महामारी घोषित कर दिया और इससे अब तक लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ह्यूमंस में कोरोना वायरस कैसे डेवलप होता है और कैसे ये ह्यूमंस को अफेक्ट करता है। कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इससे पहले इसके केसेस 2002 में देखे गए, जिसमें 8,000 लोग प्रभावित हुए थे और करीब 675 लोगों की जान गई थी। पर दिसंबर 2019 में आया SARS-CoV-2 कोरोना वायरस का एक डेवलप्ड वर्जन है। कोरोना वायरस ग्रुप्स होते हैं वायरस के, इनके 4 तरह के ग्रुप्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा जो कि माउस और बैट्स में पाए जाते हैं, और गामा और डेल्टा जो कि बर्ड्स में पाए जाते हैं, जैसे कि मर्स और सार्स। वायरस के अंदर आरएनए होता है जो कि वायरस के डुप्लीकेट्स और वायरस को बनाने में मदद करता है। प्रोटीन शेल और आउटर एनवलप आरएनए को प्रोडक्शन और हेल्दी सेल के अंदर एंटर करने में मदद करता है। वायरस के ऊपर प्रोटीन स्पाइक्स की तरह वर्क करते हैं वायरस को सेल के अंदर एंटर करवाने में। ये वायरस माउथ और नोज से होते हुए ब्रोंकी में पहुँचता है, फिर यहाँ से ब्रोंकियोल से होता हुआ एल्वियोलाई में पहुँचता है। वायरस के ऊपर स्पाइक्स सेल के ऊपर मौजूद रिसेप्टर्स से जुड़कर सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं। फिर वायरस का आरएनए सेल के राइबोसोम्स की मदद से, जो कि गोल्गी बॉडीज के ऊपर पाए जाते हैं, उनकी मदद से वायरस प्रोटीन जैसे वायरस के स्पाइक्स को बनाता है। और जब इन्फेक्टेड गोल्गी बॉडीज सेल की मेम्ब्रेन के पास पहुंचती है, तो वहां से जितनी चीज़ें वायरस को बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं वो सब एक साथ इकट्ठा होकर सेल की मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाती हैं और सेल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ज़्यादातर वायरस और डस्ट पार्टिकल ब्रोंकी और ब्रोंकियोलाई के म्यूकस से चिपक जाते हैं या फिर खांसने और छींकने के दौरान बाहर चले जाते हैं। पर जब इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और वायरस को सेल के अंदर एंटर करने से रोकता है। इन्फेक्शन की वजह से एल्वियोलाई स्वेल हो जाता है। एल्वियोलाई एक स्मॉल बलून की तरह होता है जो कि सांस लेने पर फूलता और पिचकता रहता है। एल्वियोलाई के ऊपर आर्टरी और वेन यानी नसों का जाल होता है, जिसे हम ब्लड कैपिलरी कहते हैं। यहीं से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। एल्वियोलाई की स्वेलिंग की वजह से इसके अंदर म्यूकस इकट्ठा होने लगता है और ऑक्सीजन पोर बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर एंटर नहीं कर पाती है और मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने के लिए वेंटिलेटर का यूज़ करते हैं, पर जब ये म्यूकस सूख जाता है तो उससे निमोनिया होता है और कई बार पेशेंट को निमोनिया की वजह से डेथ का सामना भी करना पड़ता है। सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस। इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।